तो भाई पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली केस की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमवार यानी 29 अप्रैल को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की और इसे जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। साथ ही कहा था कि सीबीआई हमारी निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय कर दी है। इस बीच ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध से केस में पहली एफआईआर दर्ज की है। इसमें 5 मुख्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। हालांकि ये आरोपी कौन है ये सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये प्रभावशाली लोग हैं।